গুৱাহাটীত ডোনাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ সংবাদমেল। বাজেট সময়ত সংবাদমেল ডোনাৰ মন্ত্ৰীৰ। সিকিম অসমৰ বান ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে 11,000 কোটি ধাৰ্য কৰা হৈছে বাজেটত। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বাজেটত ঘোষণা হোৱা বান ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ঘোষণা হোৱা এই পৰিমাণৰ কথা ক'লে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই। इस साल के बजट में ही शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और कौशल विकास के लिए, स्किलिंग के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है, जो 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को प्रोत्साहित करेगा। आज जब तीसरी टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, तीसरी टर्म मतलब 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा शक्ति और 3 गुना ज्यादा रिजल्ट। इस बजट में भी कई प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए किए गए। उदाहरण के तौर पर सिक्किम और आसाम के लिए फ्लड मैनेजमेंट के लिए करीब करीब 11,000 करोड़ राशि का आवंटन रखा गया है। এই সংবাদ মেলতে জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ মন্তব্য। 2027ত ভাৰত হ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে বিশ্বৰ তৃতীয় শক্তিশালী দেশ। জাৰ্মানী আৰু জাপানক অতিক্ৰম কৰিব ভাৰতে। ইয়াৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ কথা উল্লেখ ডোনাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। আজ 5ৱেঁ নম্বৰ পৰ হমে হে, লেকিন 2027 তক, মতলব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কে তীসৰে কাৰ্যকাল মে হি, আৰু ইয়ে আপনে আপ মে ভি এ কীৰ্তিমান হে। পিছলে 50 বৰ্ষো মে কিসি অৰ চৰকাৰ নে तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ये सफलता प्राप्त हुई है, पर ये सफर जारी रहेगा। आज अगर हम 5वें नंबर के आर्थिक महाशक्ति हैं पूरे विश्व में, तो 2027 तक जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ के भारत तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए सीधे सीधे उस सफर पर और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उस सफर पर जारी है। ডোনাৰ মন্ত্ৰালয়ে উত্তর পূবর বাবে গ্রহণ কৰিছে বিশেষ পেকেজ। সংবাদ মেলত ঘোষণা মন্ত্রী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ মন্তব্য। অসমৰে নহয় উত্তর পূর্বাঞ্চলৰ ভৱিষ্যৎ সলনি কৰিম। ডোনাৰ মন্ত্ৰালয়ে কা বাজেট কা আবণ্টন ভি जो 1775 करोड़ रुपए होता था कांग्रेस के शासनकाल में, उसे बढ़ाकर करीब करीब 6000 करोड़ बजट का आवंटन भी डोनर मंत्रालय के लिए बढ़ाया गया है। जिस असम को 2004 से 2014 तक केंद्र सरकार के टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर 10 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए दिया गया था, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 से 24 2,30,000 करोड़ रुपए दी गए, और इस वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष नया कीर्तिमान 39,000 करोड़ रुपए टैक्स डेवल्यूशन के आधार पर दिए जाएंगे असम को। इफ यू लुक एट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स गुवाहाटी में बनाया गया 2023 में। असम में दक्षिण एशिया का, भारत की बात आप भूल जाओ, दक्षिण एशिया का लार्जेस्ट कैंसर हॉस्पिटल नेटवर्क बनाया जा रहा है। 7 नए कैंसर हॉस्पिटल्स असम में लगाए जाने वाले। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বাবে বাজেটত বিশেষ নাথাকিলেও বাজেট সন্দৰ্ভত এনেদৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গ'ল ডোনাৰ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতু বৰাৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা ৰঞ্জিত ৰাভাৰ প্ৰতিবেদন। প্ৰথম খবৰ।